तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसकी तरह अपने एक एग्जांपल भी डिस्कस किया था, मतलब सबसे लास्ट एग्जांपल था, एग्जांपल 10, वो देखना, वो भी बिल्कुल ऐसा ही था आपके पास, सेम डिट्टो। इसके लिए आपके लिए हिंट भी दे रखा है वैसे बुक के अंदर, बाकी वैसे नीड नहीं पड़ेगी। मैं आपको समझाता हूँ क्या कह रहा है। मैन्युफैक्चर हैड 600 लीटर ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड, मतलब टोटल उसके पास 600 लीटर जो है वो मिक्सर है, उसमें 12% सॉल्यूशन एसिड का है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड, कितना लीटर ऑफ 30% ऑफ सॉल्यूशन मैं इसमें ऐड करूं, ठीक है, सो दैट द एसिड कंटेंट रिजल्टिंग जो वो आपके पास विल बी मोर देन 15% बट लेस देन 18% एसिड हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लेट करते हैं, लेट एक्स लीटर्स ऑफ 30% ऑफ एसिड सॉल्यूशन बी एडेड टू 600 लीटर्स ऑफ 12% एसिड। देखो क्या कह रहा हूं मैं, इसने ही बोला है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन, जो 30% एसिड सॉल्यूशन है उसके हिसाब से मैं कितना लीटर ऐड करूं, तो एक्स लीटर ऑफ 30%, जो 30% एसिड सॉल्यूशन है उसका एक्स लीटर मैं ऐड करूंगा टोटल 600 के अंदर, टोटल 600 में, तो जो आपका टोटल मिक्सर बन जाएगा वो 600 प्लस एक्स हो जाएगा आफ्टर दैट, मिक्स करने के बाद, ठीक है। उसमें 12% क्या है आपके पास, एसिड है, ठीक है। अब जो रिजल्टिंग जो कंडीशन होगी वो कैसी होगी देखना। सबसे पहले इसने बोला है कि जो रिजल्टेंट हो वो विल बी मोर देन 15% हो, तो 15% ऑफ किसका 15% हो, टोटल सॉल्यूशन का, टोटल मिक्सर क्या बन गया मेरे पास अब x प्लस 600 बन गया, ठीक है, इससे ग्रेटर होना चाहिए और लेस किससे होना चाहिए 18% से, और 18% भी किसका होगा ऑफ टोटल का, क्योंकि अब टोटल x प्लस 600 लीटर x है, समझ में आया। अब देखो इसने एक चीज बोली, ये जो है आपके पास एसिड का कंटेंट है, ये आपके पास क्या है एसिड का कंटेंट है, बट मैं ये कह रहा हूं आपसे कि एसिड का कंटेंट एक्चुअल में है कितना, एसिड का कंटेंट आपके पास है एक्चुअल में कितना हमें पता है। इसने बोला हाउ मेनी लीटर ऑफ 30% ऑफ एसिड सॉल्यूशन, कितना लेना है 30% ऑफ एसिड सॉल्यूशन, तो 30% ऑफ एक्स, सबसे पहले तो भाई एक्स जो लीटर ऐड कर रहे हो वो क्या है एक्चुअल में 30% उसमें से एसिड का कंटेंट है, प्लस जो गिविन था मैन्युफैक्चरर के पास सॉल्यूशन ऑफ एसिड कितना था 12% 600 का, कितना था 12% ऑफ 600, ये भी तो यही चीज बोल रहा था 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड है 600 का, तो 600 का 12% निकालेंगे और फिर इसके साथ ऐड करेंगे। अब ये तीनों कंडीशन जो है ना वो एसिड की, ये भी एसिड कंटेंट है, ये भी एसिड कंटेंट है, ये भी एसिड कंटेंट है, समझ में आया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, 15% है इसका मतलब 15/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई एंड एक्स प्लस 600 लेस देन 30% ऑफ एक्स का मतलब है 30/100 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 12% का मतलब 12/100 मल्टीप्लाई 600, फिर 18% का मतलब 18/100 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 600, समझ में आया। अब 100 तीनों में कॉमन है तो तीनों साइड से कट सकता है बिल्कुल, तो 100 यहां से कट गया, इन दोनों का एलसीएम लेके एक बार में 100 लिख दूंगा नीचे और फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसे समझ लेना ना, एक स्टेप थोड़ी सी फास्ट कर दिए मैंने, तो यहां कितना बचा 30x प्लस 7200 प्लस 18x प्लस 600। अब सॉल्व करना है आपको तीनों साइड, आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे, क्या बना देखो ये 15x प्लस 600 30x फिर 18, पहले ये दो कंडीशन लेंगे हम, 15x प्लस 600 लेस देन 30x प्लस 7200 एंड इन्हीं के साथ में हम लेंगे 30x प्लस 7200 18x प्लस 600, ठीक है। चलो दिस इज 15x 1900 30x प्लस 7200, x की वैल्यू एक तरफ करनी है तो इसको उठा के इधर लिया हो, इसको उठा के इधर लिया हो, तो ये कितना हो गया 9000 माइनस 7200 30x माइनस 15x, व्हाट वी गेट 7200 में जाएगा तो 800 1800 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा ये, और यहाँ पर कितना बचेगा 15x बचेगा, 15 से कट होगा 15 वन जा 15 8 में से 5 गया 3 जा 15 2 जा 30 120, एक्स की जो वैल्यू है 120 से ग्रेटर है, और इधर देखो 30x plus 7200 less than 18x plus 9000, ठीक है, कितना हो गया
ये हो गया आपके पास, एक सेकंड क्या गड़बड़ कर दी मैंने। अच्छा, इसको ध्यान देना थोड़ा सा भाई, यहाँ पर 8 आएगा यार। वन फोर एट, ठीक है अब सही है, यहां तक समझ में आया। अब देखो 18x को इधर लाता हूं मैं, 30x-18x एंड 108 00 -7200 कितना हो जाएगा, ये 12x, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 7200 08 में से 2 गया 6, और ये 36। एक्स का वैल्यू लेस देन 300 है। अगर मैं इन दोनों को मर्ज करता हूं तो क्या हो जाएगी कंडीशन, हैंस 120 से एक्स की कंडीशन ग्रेटर होगी और 300 से लेस होगी। क्लियर हुआ यहां तक? यानी कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30%, तो मैं यहां पे कहूंगा हैंस देयर शुड बी, देयर शुड बी लीटर लीटर्स नॉट मोर देन 120 बट लेस देन 300 शुड बी एडेड। और आप इसको अच्छे तरीके से लिख देना, समझ में आ गया ना? मतलब कि मैं 120 लीटर से ऊपर कर सकता हूँ बट 300 से नीचे करना है मुझे, समझ में आया? इसके बीच में ही मैं वेरी करा के ऐड कर सकता हूँ सॉल्यूशन में। दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 8।